उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडा खुशकिस्मत है कि अमन का मुल्क है, कैनेडियन वजीर आजम का क्रिसमस के मौके पर पैगाम। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि 2022 एक चैलेंजिंग साल था, हम तमाम कैनेडियन के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तामीर करते हैं। कनाडा और अमेरिका में बर्फानी तूफान से निजामी जिंदगी धर्म भरम। जनूबी ऑन्टेरियो के बास इलाकों के लिए तूफान की वार्निंग जारी, परवाजें मनसूख होने से हजारों अफराद को परेशानी का सामना। कनाडा जाने वाले बगैर कवायफ वाले अफगानियों को मुल्क बदर नहीं करेंगे, पाकिस्तानी हुकाम की कनाडा को यकीन दहानी। कनाडा का अफगान तालिबान से खवातीन की काम और तालीम पर आयद पाबंदियां हटाने का मुतालबा। कई बड़े बैन अल-अक़वामी इमदादी ग्रुपों का अफगानिस्तान में इमदाद रोकने का ऐलान। अमरीका में मौसम सरमा के बदतरीन तूफान ने क्रिसमस के मौके पर तबाही मचा दी। अमरीकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। अमरीका में मौसम की शिद्दत मंगल से मामूल पर आना शुरू हो जाएगी। चीन की ताइवान के करीब फौजी सरगर्मियां जारी। चीन का कहना है कि अमरीका ताइवान इश्तियाल अंगेजी का रद्द अमल में फौजी मशकें कर रहे हैं, अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा खुशकिस्मत है कि अमन का मुल्क है। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा खुशकिस्मत है कि अमन का मुल्क है। ट्रूडो ने अपने सालाना क्रिसमस खिताब में कहा कि ये वो मौसम है जब जिंदगी सुस्त हो जाती है और डाई हार्ट समेत क्रिसमस की फिल्में दोहराई जा रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 2022 एक चैलेंजिंग साल था और वो तस्लीम करते हैं कि कुछ लोगों के लिए छुट्टियां आसान नहीं होंगी। उनका कहना था कि छुट्टियों का ये सीजन उन लाखों कैनेडियंस के लिए मामूल की तरफ वापसी का निशान है जिन्हें अब COVID-19 सेहत की पाबंदियों के तहत तातीलात के सफर और खानदानी इज्तिमात में जाने की जरूरत नहीं है। ट्रूडो पूछते हैं कि जब लोग अपने खानदान के बढ़े हुए अरकान को देखने के लिए तैयार हो जाएं जिन्हें उन्होंने इतने अरसे से नहीं देखा, ये याद रखने के लिए कि हम अमन के मुल्क में रहने के लिए कितने खुशकिस्मत हैं। उसका कहना है कि इस क्रिसमस में इनके ख्यालात फौजी और सेहत के पेशावर अफराद के साथ होंगे जो तातीलात में काम कर रहे हैं। कैनेडियन जिनके बारे में वो कहते हैं कि हमारे मुल्क को एक बेहतर जगह बनाने के लिए इजाफी मील तय करें। उनका कहना था कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहां खानदान अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं और उन कम्युनिटीज पर फख्र कर सकते हैं जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं, जैसा कि हम नए साल का इंतजार कर रहे हैं। आइए एक साथ खड़े रहें क्योंकि हम तमाम कैनेडियंस के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर करते हैं। बर्फानी तूफान बम ने अमेरिका और कनाडा में मामूल की ज़िंदगी मफलूज कर दी। सड़कों पर बर्फ़ जमने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, जबकि परवाजें मनसूख होने से हज़ारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
बर्फानी तूफान बम ने अमरीका और कनाडा में मामूल की जिंदगी मफलूज कर दी। सड़कों पर बर्फ जमने के बायस ट्रैफिक मअत्तल हो गया, जबकि परवाजें मनसूख होने से हजारों मुसाफरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑन्टेरियो सूबे में 100 से ज्यादा गाड़ियों के तस्सादुम के वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के सबब हजारों कैनेडियन ने क्रिसमस का त्यौहार बगैर बिजली के गुजारा। जनूबी ऑन्टेरियो के नियाग्रा रीजन में अमला नाकाबिले गुजर सड़कों और शदीद बर्फबारी से निमट रहा था, जहां इमरजेंसी नाफिज की गई थी। कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो के बाद हिस्से क्रिसमस के अख्तितम हफ्ते पर बर्फानी तूफान के असरात से निमटते रहे थे, जबकि एनवायरमेंट कनाडा के अमले ने सूबे के कुछ हिस्सों में बर्फानी तूफान के इंतबाहात और वॉचेस का एक नया सिलसिला जारी किया है। पेशन गोई करने वालों ने इतवार को देर गए जारी करदा एक इंतबाह में कहा कि जॉर्जियाई खलीज पर या उसके आस पास के इलाकों में जैसे मिडलैंड, ऑरिलिया, ब्रेसब्रिज, ग्रेविन फॉरेस्ट और पेरी साउंड में 40 से 70 सेंटीमीटर तक इजाफी बर्फ पड़ सकती है। इतवार की शाम को एक ट्वीट में वीआरएल ने कहा कि वो क्रिसमस के मौके पर ट्रेन की पटरी से उतरने से जारी पेचीदगियों की वजह से अपने टोरंटो ओटावा और टोरंटो मॉन्ट्रियल रूट्स पर तमाम बॉक्सिंग डे ट्रेनों के मनसूख कर रही हैं। कैनेडियन रेलवे कंपनी ने भी क्रिसमस डे के लिए दोनों रूट्स के दरमियान हफ्ते की शाम को पटरी से उतरने की वजह से तमाम ट्रेनें मनसूख कर दी थी। वाजे रहे कि अमरीका और कैनेडा में बर्फानी तूफान से अब तक 38 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क रियासत के शहर बुफेलो में हद निगाह सिफर हो गई है। मुसलसल बर्फबारी से मुतअद्दिद घर बर्फ तले दब गए हैं। कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो और क्यूबैक बर्फानी तूफान से शदीद मुतासिर हैं। क्यूबैक से लेकर अमरीकी रियासत टेक्सास तक 17 लाख सार्फीन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बर्फानी तूफान से 25 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानब कनाडा में भी बर्फानी तूफान की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ऑन्टेरियो में 75,000 से ज्यादा सार्फीन बिजली की बंदिश से मुतासिर हुए। काबुल के साथ झड़पों के बावजूद पाकिस्तान ने ओटावा से कहा है कि वो कनाडा जाने वाले कागज के बगैर अफगान तारकीन वतन को मुल्क बदर नहीं करेगा। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। काबुल के साथ झड़पों के बावजूद पाकिस्तान ने ओटावा से कहा कि वो कनाडा जाने वाले कागज के बगैर अफगान तारकीन वतन को मुल्क बदर नहीं करेगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा से कहा कि वो इस माह के अख्तितम के बाद बगैर कागजात के अफगान तारकीन वतन को मुल्क बदर नहीं करेगी और ना ही उन्हें जेल में डालेगी, बल्कि जुर्माने या शायद उनकी वापसी पर पाबंदी आयद करेगी। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अंदिया दिया है कि वीजों से जायद अरसे तक कयाम करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ वाहिद नफाज की कार्रवाई की जा सकती है। जुर्माने का दोबारा नफाज और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान वापसी से ब्लैक लिस्ट किया जाना है। अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क के तौर पर पाकिस्तान उन अफगान तारकीन वतन के लिए एक मंजिल रहा है जो कनाडा के दोबारा आबादकारी के प्रोग्राम के लिए अहल होने की उम्मीद रखते हैं। इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के मुताबिक इस साल इस्लामाबाद से अफगानियों को ले जाने वाली 21 चार्टर परवाजें कनाडा आई हैं। गुज़िश्ता एक माह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी देखने में आ रही है। अफगान तालिबान की जानिब से वादों और यकीन दहानी के बावजूद मुतअद्दिद बार सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। इसके साथ साथ TTP के कैदियों ने एक पाकिस्तानी जेल पर कब्जा कर लिया और काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर फायरिंग का हमला हुआ। दूसरी जानब कनाडा के बैनुल अक्वामी तरक्की के वजीर ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वह अफगानिस्तान में खवातीन को गैर सरकारी तंजीमों में काम करने से रोकने के अपने फैसले को वापस ले। हरजीत सज्जन के तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब कई बड़े बैनुल अक्वामी इमदादी ग्रुप अगस्त 2021 में तालिबान के जेर कब्जा मुल्क में कार्रवाइयां मुअत्तल करने के मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं। इसके बाद से लाखों लोग गुर्बत में धकेल चुके हैं और अब भूख का सामना कर रहे हैं। अक्वामे मुत्तहदा के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60 लाख अफगान इस वक्त कहत के खतरे से दोचार हैं। रेड क्रॉस की बैनुल अक्वामी कमेटी ने भी बच्चों में गजाई किल्लत और नमूनिया में इजाफे की इत्तला दी है। सर्दियों के आगाज से ही खदशात बढ़ रहे हैं। अमेरिका में बम साइक्लोन नामी मौसम सरमा के बदतरीन तूफान ने क्रिसमस के मौके पर तबाही मचा दी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका में बम साइक्लोन नामी मौसम सरमा के बदतरीन तूफान ने क्रिसमस के मौके पर तबाही मचा दी। अमेरिका में सर्द हवा बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अमरीकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया है, जबकि रियासत मिशिगन के साहिल पर बर्फ ही बर्फ, पार्क में लगे झूले बर्फ के मुजस्मों में ढल गए। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फानी तूफान के दौरान बुफेलो के इलाके में इतवार के रोज 92.7 इंच बर्फ पड़ी है, जो कि तकरीबन
पूरे इलाके में औसत मौसम सरमा में देखे जाने वाले 99 इंच के बराबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में जारी बम साइक्लोन के 22 मुख्तलिफ हादसात में अब तक 30 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 2 लाख से ज्यादा सार्फीन बिजली से महरूम हो चुके हैं। मुल्क भर में 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख और हजारों ताखीर का शिकार हैं जबकि एटलांटा शिकागो और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में हजारों मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंस गए हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचोल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अमरीका को मुतासर करने वाले तबाहकुन तूफान का कहर जारी है क्योंकि अब तक मुल्क भर में 39 जबकि सिर्फ न्यूयॉर्क में 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। एरी काउंटी के एग्जीक्यूटिव मार्क पोलॉन कार्स के मुताबिक बुफेलो के इलाके में मरने वालों में से कुछ शहरी कारों में और दीगर सड़कों पर बर्फ के किनारे पाए गए हैं। नेशनल वेदर सर्विस का बताना है कि अमरीका में मौसम की शिद्दत मंगल से मामूल पर आनी शुरू हो जाएगी। ताइवान की वजारत दिफा का कहना है कि चीन की फिजाइया के 43 तैयारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों में आबनाए ताइवान की गैर रस्मी लकीर मेडियन लाइन को अबूर किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीन ताइवान के करीब अपनी फौजी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। ताइवान की वजारत दिफा का कहना है कि चीन की फिजाइया के 43 तैयारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों में आबनाए ताइवान की गैर रस्मी लकीर मीडियन लाइन को अबूर किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फौज का इस हवाले से कहना है कि ताइवान के नज़दीक फिजाई और बहरी फौजी मशकें की हैं। चीनी फौज के मुताबिक फौजी मशकें अमरीका और ताइवान की इश्तियाल अंगेजी के रद्द अमल में की गई। उसने मजीद कहा कि चीन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी फौज ने ताइवान और अमरीका की इश्तियाल अंगेजी से मुतालिक कोई तफसीलात नहीं बताई। ताइवान के वजारत दिफा के फराहम करदा नक्शे के मुताबिक जंगी तैयारों ने आबनाए ताइवान की मीडियन लाइन अबूर की जो एक गैर सरकारी हदबंदी है। वजारत दिफा ने बताया कि ताइवान के करीब चीनी बहरिया के साथ जहाजों का भी पता चला है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Thank you.